गर्मियाँ शुरू होती ही बन जाती है राजस्थान में केरी की खट्टी मीठी सब्जी। तो आज हम बनाने वाले हैं केरी की सब्जी। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कीजिए। यहाँ हमने ली है तीन केरी। तीन केरी को हमने पानी से पहले साफ़ कर लिया है। अब इसको चाकू की सहायता से इसके छिलके हम इस तरह से उतार लेंगे और छिलकों की भी सब्जी बनती है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको केरी के छिलकों की सब्जी बनाना बताऊंगी। तो तीनों केरी को हमने इस तरह से छील लिया है और इसके पतले पतले टुकड़ों में इनको काट लिया है। ये इस तरीके से पतले पतले टुकड़ों में आपको काट लेना है। और अब हम रखेंगे गैस पर एक भगोनी, उसके अंदर हम डाल देंगे एक लोटा पानी का और पानी को हम उबाल लेंगे। पानी उबलते ही हम गुठलियों को भी इसके अंदर डाल देते हैं और जो केरी काटी है उसको भी हम इसमें डाल देंगे और एक या दो मिनट के लिए हम इसको पका लेंगे। जब तक एक या दो उबाला नहीं आ जाता जब तक हम इसको पका लेंगे। हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि हमारी केरी सीजी की नहीं है। हमारी केरी अच्छे से पक गई है। देखिए चाकू से आप इसको एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, अब हमको क्या करना है, गैस बंद कर लेंगे और चम्मच से इन सभी केरियों को थाली में निकाल लेंगे। ये सब्ज़ी आपके 5 से 7 दिन तक आराम से चल सकती है। आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं ठंडा होने के बाद में, और कहीं भी सफ़र में भी इसको ले जा सकते हैं। तो ये सब्ज़ी ख़राब नहीं होती है। इस तरह से सारी केरियों को मैंने थाली में निकाल लिया और अब हम गैस बंद कर लेंगे। अब हम कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई में डाल देंगे थोड़ा सा तेल। तेल गर्म हो जाए फिर हम डालेंगे थोड़ी सी, आधा चम्मच सौंफ डालेंगे और थोड़ी सी राई डालेंगे। इसमें जीरा नहीं डालते, जीरे का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आता है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी सौंफ, थोड़ी सी राई और 2-3 चुटकी हींग डाली है। ये देखिए तेल गर्म हो गया है, तो हमने आधा चम्मच सौंफ डाल दिया है, थोड़ी सी राई डाल दी और 1-2 चुटकी हींग की डाल दी। ये राई तड़कने लग गई है और हींग भी हमारी पक गई है। अब इसमें सारी उबली हुई जो केरियाँ हैं गुठली समेत सारी हम इसके अंदर डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे मसाला, जिसमें मैंने लिया है 1 चम्मच धनिया पाउडर छोटा चम्मच, और आधा छोटा चम्मच हम लेंगे इसमें हल्दी पाउडर, और 1 छोटा चम्मच लेंगे हम इसमें लाल मिर्च पाउडर, और नमक लेंगे आधा चम्मच। नमक बाद में हम टेस्ट करके चेक कर लेंगे कि हमारा नमक सही डला है या नहीं। तो थोड़ा सा अभी मैं इसमें नमक डाल देती हूँ। नमक डालने के बाद में सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर केरी की सब्ज़ी आपको खट्टी नहीं पसंद है तो आप ऐसे ही खा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर खट्टी मीठी बना रही हूँ, तो थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूँगी। पानी डालकर हम इसमें उबाला लेंगे और इसके बाद में मैं यहाँ पर डाल दूँगी गुड़ कूट कर। तो मैंने आधी कटोरी यहाँ पर गुड़ डाल दिया है और सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, गुड़ जब तक पिघल ना जाए। और फिर टेस्ट कर लेंगे कि मीठा सही हुआ या नहीं। केरी अगर हमारी थोड़ी खट्टी ज़्यादा होगी तो थोड़ा गुड़ और चाहिएगा, नहीं तो बढ़िया ऐसे ही बढ़िया बन जाएगी। तो एक बार इसको 1-2 उबाले तक हम इसको गुड़ को पिघाल लेंगे। ये हमारी केरी की खट्टी मीठी सब्जी बनकर तैयार है। इतनी बढ़िया बनती है और गर्मियों में तो इतनी शानदार लगती है कि आप इसको पूड़ी से, रोटी से, जिससे चाहे जिससे खा सकते हैं, चटनी की तरह। तो ये केरी की सब्जी बनकर तैयार है। तो आप बताइए कि आपको ये सब्ज़ी कैसी लगी, कमेंट करके बताइए। और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट करके बताइए। तो जल्दी से बनाइए ये सब्जी, केरी की खट्टी मीठी सब्जी। वाकई में ये सब्ज़ी बहुत बढ़िया बनकर तैयार होगी। तो आप इसको एक बार घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए।
रेसिपी को देखते देखते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।